हम हाँ लोग देख रहे हैं है, सॉल्यूशन चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर में कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में देख चुके हैं हम हाँ लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ हैपर प्रेशर एलिवेशन इन बॉयलिंग पॉइंट अभी देखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ हैपर प्रेशर इलिवेशन या बॉइलिंग पॉइंट दोनों का कारण हम लोग देखे हैं पिछले वीडियो में नहीं देखे हैं तो देख लीजिए जिसमें देखे हैं कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब डाइल्यूट सॉल्यूशन में बाइंडी सॉल्यूशन के लिए जब डिजोल्व करते हैं तो सॉल्यूट जब सॉल्वेंट के क्लोज आता है पार्टिकल से क्लोज तो उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ जाता है जिसके कारण वेपर प्रेशर घट जाता है जिसको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं और वेपर प्रेशर घटने के कारण हमें बॉयल करने के लिए ज़्यादा गर्म करना पड़ता है मीन्स बॉयलिंग पॉइंट बढ़ जाता है वही कारण से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है कि जब सॉलिड सॉल्वेंट क्लोज आ गया वेपर प्रेशर घट गया तो पार्टिकल्स पहले से ही क्लोज आ गया तो थोड़े से ही और कूल करेंगे थोड़ा सा ही कूल और करेंगे तो फ्रीज हो जाएगा फ्रीज मतलब उसको कूल करके सॉलिड में कन्वर्ट करना तो थोड़ा ही कूल करेंगे तो फ्रीज हो जाएगा इसका मतलब फ्रीज करने के लिए पहले ज्यादा टेम्परेचर कम करना था पहले से, अब आर्टिकल सॉल्यूट आ जाने से पहले से ही क्लोज हो गया थोड़ा सा ही टेम्परेचर डाउन करेंगे तो फ्रीज कर जाएगा इसी को बोलते हैं डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ठीक है अगर टी एफ नॉट यहां पर टी एफ नॉट देखिए अगर ये टी एफ नॉट फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का और सॉलिड अगर आप डाल दिए हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट टी एफ हो जाएगा कितना घटा तो टी एफ माइनस टी एफ नॉट ये डिक्रीज जो हुआ फ्रीजिंग पॉइंट में टेम्परेचर में उसको डेल्टा टी एफ कहेंगे और इसी डेल्टा टी एफ को डिफाइन में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे द अमाउंट ऑफ या टेम्परेचर बोलेंगे द डिक्रीज इन द टेम्परेचर वेन वेन लिटिल अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्व पार्टिकल्स इज एडेड इन इन सॉल्वेंट देन फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज इज दिस डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बस ये डिफाइन है और ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन अब ये फ्रीजिंग पॉइंट किस पर क्या है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज है इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगा मीन्स कंसनट्रेशन पर डिपेंड करेगा टेम्परेचर रिलेटेड है जो टेम्परेचर से इंपेंडेंट कंसनट्रेशन होगा उसी का यूज़ किए हैं मोलालिटी तो ये क्या होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन प्रोपोसनिटी हटाने के लिए डेल्टा टी ए फिजिकल टू के एफ इन टू एम दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द डिप्रेशन इन फ्रिजिक पॉइंट बस कंप्लीट हो गया अब मोलालिटी के बारे में हम लोगों को पता है पिछले में वीडियो में भी देखे हैं कि नंबर ऑफ मोल प्रजेंट पर, पर के जी ऑफ द सॉल्वेंट एन टू बाई डब्ल्यू वन तो एम मोलालिटी के जब एन टू बाई डब्लू वन डालेंगे इसके यूज़ करके मोलर मास ऑफ द सॉलिड डिटरमाइन हो जाएगा तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में कॉलीगे प्रॉपर्टी का डेफिनेशन उसका डेरिवेशन उसके बाद हम लोग उसका डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास करते हैं तो डेल्टा टी एफ इजिकल टू क्या हो गया के एफ इन टू एन टू बाई डब्ल्यू वन एन टू क्या होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट होता है गिवन मास W2 टू बाई मोलन मास एम टू एन टू जब वो डालेंगे तो हमें मोलालिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा W2 टू बाई एम टू इन टू डब्ल्यू वन इंटू वन थाउजेंड तो डब्लू टू इंटू वन थाउजेंड बाई एम टू बाई डब्लू वन ये जो चीज़ आया ये मोलालिटी का आया वन थाउजेंड इसलिए क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यू वन मास ऑफ द सॉल्वेंट ग्राम में है के जी में होता तो वन थाउजेंड नहीं लेते तो डेल्टा टी एफ इजकल टू के एफ़ इन् टू डब्लू टू इंटू वन थाउजेंड बाई एम टू बाई डब्लू वन होगा और यहाँ पर मोलर मास एम टू निकालना है तो एम टू इजकल टू हो जाएगा के एफ़ इंटू डब्लू टू इंटू वन थाउजेंड बाई डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इंटू डब्ल्यू वन इंटू इन ग्राम ठीक है तो ये ये डेरिवेशन हो गया मुलर मास टर्मिनेशन का और ये डेरिवेशन हो गया डिप्रेशन इज फ्रीजिंग पॉइंट का बस कंसेप्ट इतना ही है इसको हम लोग बुक के थ्रू देखेंगे यहाँ पर केफ के बारे में आप जानते हैं केफ क्या होता है ये क्राफ क्रास्कोपिक कॉन्स्टेंट होता है या मोल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट होता है या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या 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 डिप्रेशन कॉन्स्टेंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मुला डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इसका भी तीन नाम बोलेंगे के का जैसे के का बोले थे वैसे के का भी तीन नाम हो गया तो एक बार बुक के साथ कंप्लीट कंसेप्ट यहीं पर हम लोग का होता है बुक के साथ इसको एक बार देखने की कोशिश करते हैं ये होल डेरिवेशन है जहाँ पर के एफ क्रैश कॉपी कॉन्स्टेंट के बराबर जैसे कि ई बिली एसके कॉन्स्टेंट के वी बराबर किए थे एम इन आर इंटू डेल्टा टी एफ तो यहाँ पर डेल्टा टी एफ का होल स्क्वायर बाई इन्थेलपी ऑफ फ्यूजन इन टू वन थाउजेंड होगा यहाँ बी नहीं एफ होगा ठीक है तो ये हो गया हम लोग के एफ़ के लिए फॉर्मूला हो गया अब हम लोग बुक के थ्रू देखते हैं बुक जरूर देखिए बुक पढ़िए तभी कंसर्ट बनता है द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कॉजेज अ लोअरिंग ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट कंपेयर टू दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट के तुलना में वेपर प्रेशर का डिक्रीज जो होता है उससे क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट में भी लोअरिंग होता है लोडिंग मतलब घटना मतलब हैबोर प्रेशर घट गया तो फ्रीजिंग पॉइंट भी घट गया किसका प्योर सॉल्वेंट का जिसको डायग्राम 2.8 में दिखाया गया है कि सॉल्वेंट अगर फ्रीज कूल करेंगे टेम्परेचर को देखें टेम्परेचर घटाएंगे तो हैबो प्रेशर क्या होगा घटेगा तो इससे क्या होगा कि ये फ्रीज यहाँ पर करेगा इस टेम्परेचर इसको टी एफ नॉट बोले लेकिन जब सॉल्यूट डाल देंगे तो वैबो प्रेशर घट गया इतना से वैबो प्रेशर घट जाता है या अभिवक प्रसर घट गया है मीन्स ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ नहीं होके इस पर नहीं हो करके फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ होगा यहाँ पर होगा टी एफ पर होगा तो ये टी एफ से टी एफ नॉट पर जो फ्रीजिंग पॉइंट जो टेम्परेचर इतना कम करना पड़ गया तो ये कम जो किया उसी को क्या बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं तो वही टू पॉइंटेड फिगर में देखने को कहा है बुक जरूर से अच्छे से देखिए नोट बनाइए वी नो दैट एट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सबस्टांस द सॉलिड फेज इज इन डायनेमिक इक्लिबियम विद द लिक्विड फेज हम लोग को पता है फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट में ट्रिपल पॉइंट होता है तो जैसा कि हम लोग जानते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटांस फ्रीजिंग पॉइंट सब्सटांस क्या होता है द सॉलिड फेज इज द डायनेमिक इक्लोडियम विद द लिक्विड फेज लिक्विड फेज के साथ सॉलिड का डायनेमिक इक्लिबियम होता है फ्रीजिंग पॉइंट पर दस इसलिए द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटांस मे बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सब्स्टांस इन इट्स लिक्विड फेज इज इक्वल टू इट्स वेपर पेज इन द सॉलिड स्टेट तो फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या हो गया इसलिए फ्रीजिंग एक डायनेमिक्लोडियम में होता है सॉलिड और लिक्विड इसलिए दस द फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्स्टांस किसी भी सबस्टांस का मे बी डिफाइंड इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं एज द टेम्परेचर द टेम्परेचर वह तापमान एट विच जिस पर वैपर प्रेशर ऑफ सब्सटांस वैपर प्रेशर सब्सटांस का वैपर प्रेशर इन इट्स लिक्विड फेज, फेज, फेज लिक्विड फेज में जो वैपर प्रेशर है इज इक्वल टू वो बराबर हो जाए इट्स वैपर फेज इसका वैपर फेज इन सॉलिड स्टेट सॉलिड फेज सॉलिड फेज में जो वैपर फेज है लिक्विड फेज में वैपर फेज है वो दोनों जब बराबर हो जाएगा जिस टेम्परेचर पर उसी को फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे ए सॉल्यूशन विल फ्रीज व्हेन इट्स वेपर प्रेशर इक्वल्स द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉलिड सॉल्वेंट एज इज क्लियर फ्रॉम फिगर टू पॉइंट एट जो टू पॉइंट एट फिगर भी ग्राफ में देखे हैं तो यही कहा है कि सॉल्वेंट का सॉल्वेंट यहाँ फ्रीज करेगा जब सॉलिड डाल देंगे तो सॉल्यूशन यहाँ फ्रीज़ करेगा ये प्योर वेपर प्रेशर ये प्योर फ्रीजिंग पॉइंट है लिक्विड सॉल्वेंट का और ये फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का अकॉर्डिंग टू राउट्सलॉ राउट्स लॉ से हम जानते हैं वेन ए नॉन वोलेटाइल सॉलिड एडेड टू द सॉल्वेंट इट्स वेपर प्रेशर प्रेश एंड नाउ इट इट वुड बिकम इक्वल टू द सॉलिड सॉल्वेंट एट लोअर टेम्परेचर राउट्स लॉ से जानते हैं हम लोग कि जब नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉलिड को ऐड करते हैं सॉल्वेंट में इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है एंड नाउ इट वुड बिकम और यह इक्वल हो जाएगा द इक्वल टू द सॉलिड सॉल्वेंट एट लोअर टेम्परेचर कम तापमान पर सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर हो जाएगा दस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेज इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज करिएगा स्लो बताया थे कि जो सॉलिड को डालेंगे इंटरवन को फोर्स बढ़ेगा बढ़ने से भागव प्रेशर घटेगा घटने के कारण सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा सॉलिड सॉल्वेंट के भाग बराबर हो जाएगा जो लोअर टेम्परेचर पर होगा इसी को क्या कहते हैं डिक्रीज इन डिक्रीज इन सॉल्वेंट डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे ठीक है ये ग्राफ है लेट्स टी एफ नॉट Tf naught be the freezing point of pure solvent and Tf be the freezing point of non volatile solute its dissolved in it. The decrease in freezing point. तो क्या कितना के बराबर होगा डेल्टा टी एफ बराबर टी एफ नॉट माइनस टी एफ इज़ नोन एज द डिप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या कहा टी एफ नॉट को और प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माने टी एफ को और सॉलूसन का सॉलिट मिलाने के बाद फिर फ्रीजिंग पॉइंट माने तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ कितने के बराबर होगा टी एफ माइनस टी एफ टी एफ नॉट माइनस टी एफ के बराबर होगा सिमिलर टू इलीवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इलीवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के जैसा ही डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ ऑफ डायलूट सॉल्यूशन डायलूट सॉल्यूशन का डायलूट सॉल्यूशन का फ्रीजिंग डिप्रेशन ई फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी मोलेलिटी के सीधा समानुपाती होगा एम ऑफ द सोलूशन दस डेल्टा टी एफ फिजकल टू एम ठीक है डेल्टा टी एफ सीधा समानुपाति क्या है मोलेलिटी के डेल्टा टी एफ फिजकल टू के एफ इन टू एम के एफ क्या है तो प्रोपोर्सनिटी कॉन्स्टेंट के एफ विच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द इज नोन एज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट और मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और तीसरा नाम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट तीन नाम से जानते हैं द यूनिट ऑफ केफ इज केल्विन के जी पर मोल जैसे कि के वी में था वैसे ही इसका भी होगा केल्विन के जी पर मोल वैल्यूज ऑफ के फॉर सम कॉमन सॉलफेंट्स लिस्टेन टेबल पॉइंट टू पॉइंट थ्री जहाँ पर के वी का वैल्यू डाला हुआ है उसी टेबल में टू पॉइंट थ्री में के एफ का भी है पिछले वीडियो में बोले थे कि बुक जरूर देखिएगा और बुक देख लीजिएगा दोनों का वैल्यू डेटा नहीं समझ आएगा उसके लिए फिर कल को वीडियो बना देंगे इफ़ डब्लू टू ग्राम ऑफ सॉल्यूट हैवी मोलर मास एम टू अगर डब्लू टू क्या है गिवेन मास ऑफ द सॉल्यूट है और एम टू क्या है मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट है प्रजेंट इन डब्लू ग्राम ऑफ द सोल्वेंट डब्लू ग्राम सॉल्वेंट का मास है प्रोड्यूस इन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ ऑफ द सॉल्वेंट और उसमें जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा अगर वो डेल्टा टी एफ होगा मतलब डब्लू टू को डब्लू वन ग्राम में मिला देंगे डब्लू टू जिसका मरमास एम टू है और उस पर अगर डेल्टा टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होगा द सॉल्वेंट देन मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूट इज गिवन बाई इक्वेशन टू पॉइंट थ्री वन ये टू पॉइंट थ्री इक्वेशन से दिया जाएगा एम इज कल टू डब्लू टू जो पीछे वाले वीडियो से था डब्लू टू इन टू एम टू बाई डब्ल्यू वन इंटू वन थाउजेंड सब्सिट्यूटिंग दिस वैल्यू मोलेलिटी इन इक्वेशन टू पॉइंट थ्री फोर डेल्टा टी एफ फिजिकल टू के एफ इंटू इस्मॉ एम स्मॉल एम मोलालिटी मोलालिटी का डेटा यहाँ पर डाल देंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा डेरिवेशन है डेल्टा टी एफ फिजिजिकल टू ये फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा टी ए फिजिकल के एफ इन टू डब्लू टू वन थाउजेंड एम टू इंटू डब्ल्यू वन और मोलर मास निकालना होगा तो एम टू इस तरफ अगर कर लेंगे तो के एफ इंटू डब्लू टू वन थाउजेंड बा डल्टा टी एफ बा डलू वन ये डेरिवेशन हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास का और और ये डेरिवेशन हो गया किसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ठीक है दस डिटर डिटर्माइनिंग द मोलर मास ऑफ द सॉलिड मोलर मास का अगर सोलड को डिटरमाइन करना है वी शुड नो हमें पता होना चाहिए द क्वान्टिटीज़ डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डेल्टा टी एफ एलॉन्ग विद द मोल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट इस तरह से ये चार चीज़ अगर हमें पता है दो नीचे और ये दोनों ऊपर तो हम आराम से मोलर मास ऑफ द सॉलिड निकाल सकते हैं ठीक है इस तरह से अगला वीडियो में ऑस्मोटिक प्रेशर अगला अगला क्वालिगेटी प्रॉपर्टी देखेंगे तब तक बुक पढ़िए बढ़िए टेक केयर